The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Aaj hum baat karenge is ek vitamin ki, jo hai to ek, lekin ye 8 vitamins ke barabar hai. Ji haan. विटामिन ई के बारे में बात करेंगे और ये सारी जानकारी वेरीफाइड है यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से, ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन है हमेशा की तरह. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए. और बात करते हैं विटामिन ई. बेसिकली 8 ऐसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स का कंपाउंड्स का मिक्सचर है जो सारे ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. इसमें से अल्फा टोकोफेरॉल जो है ये एक बेस्ट माना जाता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए. तो विटामिन ई आपके लिए बहुत जरूरी है और ये आपके फूड्स यानी कि फूड सोर्सेस में मौजूद है और इसको आप ऊपर से एज अ डाइटरी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. आइए बात करते हैं इसका फायदा क्या है और ये क्यों आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्या है. एक सबसे बड़ा रोल है एंटीऑक्सीडेंट रोल. ये ऑक्सीडेशन क्या है, देखिए आपके शरीर में जो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, बाहर से खाना आता है, बाहर से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारी चीजों में से कई बार फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं जिससे आपके बॉडी को डैमेज के अलावा उम्र भी जिससे बढ़ती है. सो फ्री रेडिकल्स जो हैं, यहां पर अगर ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज ना किया जाए तब आपकी बॉडी में ज्यादा डैमेज होता है. तो न्यूट्रलाइज करने का काम एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं और विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स. इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है. सेल्युलर सिग्नलिंग में भी आपके विटामिन ई का एक इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है. और क्या बेनिफिट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको बताया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डिफेंसिवली आपके बॉडी के अंदर रिपेयर करता है. आपके बॉडी के अंदर जो मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है वो है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज. विटामिन ई लेने से ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज बढ़ता है जो सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है. इसी तरीके के ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है वो हार्ट के प्रॉब्लम्स में भी बचाते हैं, हार्ट का रिस्क भी विटामिन ई बचाता है. यहां तक कि कुछ स्टडीज में देखा गया है कि रेगुलरली विटामिन ई लेने से आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है और डायस्टोलिक पे कोई खास असर नहीं आता. और अगर आप विटामिन ई को ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ लेते हैं तो आपके एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी आपके जो है वो कम होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका रिवर्स होता है. याद रखिए, ये लाइफस्टाइल अगर खराब है उसका रिप्लेसमेंट नहीं है. आप एक्सरसाइज नहीं करते, अच्छी नींद लेते, अच्छा खाना नहीं खाते, अच्छा पानी नहीं पीते, स्मोकिंग दारू खाते, तो इसका मतलब नहीं है विटामिन ई लेके काम चल जाएगा. नहीं, यू नीड अ गुड लाइफस्टाइल, बट व्हाटएवर डैमेज हैज बीन डन बिकॉज ऑफ पास्ट बैड लाइफस्टाइल, विटामिन ई कैन हेल्प. सेम वे विटामिन ई लिवर के पेशेंट्स को बहुत कॉमनली दिया जाता है. लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या केवल फैटी लिवर में जिनके लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए आते हैं, उन लिवर एंजाइम्स बढ़े हुए को भी ये कम करने का काम करता है. लिवर एंजाइम्स एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट ट्रांसफरेज अमाइनो ट्रांसफर को भी ALT AST को ये कम करता है और लिवर की हेल्थ को भी ये इंप्रूव करता है. ना सिर्फ नॉन अल्कोहलिक बट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में भी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में भी ये हेल्प करता है. डिसमेनोरिया, जिन लोगों को पीरियड्स के टाइम, जिन फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द होता है, पेन होता है, पेल्विक पेन होता है, वो लोग अगर ओमेगा 3 के साथ कंबाइन करके विटामिन ई लेते हैं तो उनको काफी फायदा मिलता है, दर्द भी कम होता है. और ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है विटामिन ई. एक्जिमा, खुजली अगर आपको होती है, ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा है, इसको सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं. आपके कॉग्निटिव आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन की न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग के लिए बहुत जरूरी है. आपके इम्यून फंक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी बताया और कुछ स्टडीज में ये भी देखा गया है कि लंग फंक्शन भी ये इंप्रूव करता है, तो अस्थमा वाले पेशेंट्स या बच्चे वो भी इसे यूज कर सकते हैं. तो विटामिन ई आपको जरूर लेना भी चाहिए, आपके शरीर में होना भी चाहिए. तो आपके डाइट में रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए, आपके बॉडी को कितनी जरूरत है. अगर हम डेली इंटेक की बात करें तो 6 महीने में आपको डेली 9 मिलीग्राम की जरूरत होती है. अगर उम्र जैसे जैसे बढ़ती है इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है. 14 साल से ऊपर के अगर हैं आप तो 15 मिलीग्राम की जरूरत है. और अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, दूध पिलाते हैं बच्चे को, तो आपको ज्यादा चाहिए. आपको 15 + 4 यानी अप्रोक्सीमेटली 19 मिलीग्राम की जरूरत है, बच्चे का भी आप ही को लेना होगा एक्स्ट्रा विटामिन ई. अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को इसकी डेफिशिएंसी होती है, नहीं होती.
ये आपका अगर अच्छी डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो आपकी बॉडी में आम मात्रा में होना चाहिए। किसको डेफिशिएंसी होती है? अगर आपके बॉडी में फैट मैलअब्सॉर्प्शन है, क्योंकि विटामिन ए डी ई के क्या है, ए डी ई के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये फैट खाओगे तो फैट से आएगा, फैट्स एब्जॉर्ब करने में मदद करेंगे। तो अगर आप चर्बी आप नहीं खा पाते, सही से नहीं खा पाते, या फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, पेट खराब हो जाता है, या बचपन से आपको कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कोई क्रॉन्स डिजीज, इंटेस्टाइनल डिजीजेस है, तो इन लोगों में ज्यादा चांसेस है विटामिन ई की डेफिशिएंसी होना। या फिर आपको कुछ रेयर जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे कि ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, उनको भी डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर अगर आपके डाइटरी सोर्सेस ही कम है, आप खाने में वो चीजें जिनमें विटामिन ई होता है वो चीजें नहीं खाते, कौन सी चीजें हैं हम अभी बताएंगे आप, या फिर टोटली मैल नरिश्ड ही हो, बस जंक फूड खाते हो, उसी की वजह से मोटे हो रहे हो, या फिर आप बहुत कम खाना खाते हैं, वजन ही बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा पतले हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी नहीं है कि विटामिन ई अच्छा बोल दिया तो बस खाई जाओ ओवरडोज हो जाए, वो भी गलत है। सो अगर आप विटामिन ई के सप्लीमेंट बहुत ज्यादा ले लेंगे, टू मच ले लेंगे, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि यहां पर रिस्क हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर का मेन में, और हाई डोज ऑफ विटामिन ई के ऑल्सो रिस्क बन जाता है ब्लीडिंग का रिस्क बन जाता है, और हेल्थ कंसर्न्स, इवन मॉर्टेलिटी देखी गई है बहुत ज्यादा अगर आप विटामिन ए ले ले तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खुद के उठा के नहीं ले लेना। पर इस लेते हुए भी डॉक्टर को भी और आपको भी ध्यान रखना है कि विटामिन ई जो है आपकी मौजूदा खून पतला करने की दवाइयां, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वाली दवाइयों से इंटरैक्ट करती है। तो अगर ये दवा आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि वो और ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो ये बात ध्यान में रखें। अब किस किस खाने के फूड प्रोडक्ट्स आपको लेने चाहिए जिसमें विटामिन ई ज्यादा, याद रखें व्हीट जर्म ऑयल, यानी गेहूं में भी होता है, व्हीट जर्म ऑयल में भी होता है, उसमें 135% एक चम्मच में इतना ज्यादा विटामिन ई है। तो गेहूं खाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, गेहूं का व्हीट जर्म ऑयल एक तरीके से वो भी अच्छा है। ड्राई रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स, तो इसीलिए कहते हैं सीड्स के मिक्सचर आपने बीच बीच में खाते रहने चाहिए। ऑलमंड्स सबसे अच्छे हैं, बादाम अगर आप थोड़े बहुत खाते हैं, 1 ounce थोड़े से भी खाते हैं, 20-25 ग्राम तो भी बहुत अच्छा है। हरे पत्ते वाली सब्जियां आपके खानी है, बॉइल्ड ब्रोकली खा सकते हैं, स्पिनिच खा सकते हैं, कीवी इंडिया में मिलते हैं नहीं मिलते कोई बात नहीं, नॉर्मली मिलते हैं, सिंपल मैंगो फ्रूट्स में भी आपको मिल जाएगा, ग्रीन आपके पोटैटोज, टोमेटो, नॉर्मल टोमेटोज, लाल टोमेटोज में भी आपको मिल जाएगा। टमाटर हम बढ़िया से खाते हैं, टमाटर खाओ, हरे पत्ते वाले सब्जी खाओ, थोड़े से ड्राई फ्रूट खाओ, थोड़े से सीड्स खाओ, गेहूं खाओ, तो आपको आपका विटामिन ई अच्छा मिल जाएगा। तो विटामिन ई के ये बहुत अच्छे रिच सोर्सेज हैं, ध्यान में रखें। तो विटामिन ई को अपने डाइट में इंक्लूड करें। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, लिवर की बीमारी है, या इवन आपके पीरियड्स चलते हैं, तो ओमेगा 3 और विटामिन ई ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इवन लंग के, इम्यून सिस्टम्स में, आपके ब्रेन के लिए। सो ये सारी चीजों के लिए आप विटामिन ई के कुछ दिनों के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके। तो अपने डॉक्टर से बात करिए, और अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया गया है, वेबसाइट आपको दी गई है, जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।